मैं क्या तेरे बाप कह के मैं नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। कौन भी है? हाथी का शिकार करने वाला रॉकी। अरे फौजी सुन ना। हाँ बोल। अबे शादी के लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं, तू बता शादी कर लूँ? अरे भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कर ले कर ले। अबे फिर ये बता हनीमून में कहाँ ले जाऊँगा? बस इतनी सी बात। सुन, तेरी जिंदगी में आए हैं तो तेरे सारे गम ले जाएंगे। कि तेरी जिंदगी में आए हैं तो तेरे सारे गम ले जाएंगे, और मेरे भाई बस तू शादी कर ले, भाभी को हनीमून में हम ले जाएंगे। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार? तो भैया ये लौंडा लॉबी में खड़े होके बहुत इमोट बाजी कर रहा था और अपना एक सूट भी चमका रहा था, तो ये देख के तो ऐसा लग रहा था कि काश लॉबी में पेटी बनाने का सिस्टम होता तो यहीं पे इसको निपटा देते। पर कौनो दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ नहीं मरेगा तो नीचे मरेगा। तो फिलहाल हम आ चुके हैं गोरे गोपाल और यहाँ उतरते ही मिल जाती है मुझे M249। सच बताऊं तो एक समय में ये ऐसी गन थी कि दो तीन गोली मारो और बंदा नॉक, और 100 गोली में तो पूरा सर्वर ही खाली हो जाता था। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। फिलहाल यहाँ उतरते ही मैं इन दोनों बंदों को निपटा देता हूँ, पर मैं भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था तो फिर मैं नियम अनुसार पट्टी लगाता हूँ, और उसके बाद जैसे ही आगे जाता हूँ तभी अगर मैं इस लौंडे की जगह होता तो सबसे पहले जिन बोटों को मैंने नॉक किया था उनको मार के इसकी किल चुराता और फिर इसको मारने की सोचता, लेकिन चाचा के अंदर लोभ नहीं था और वो लोभ ना होने के चक्कर में एक काम ढल गया चाचा का। सिर्फ नाम के फौजी नहीं, शेर जैसी बोली है। तू M4 की 40 चलाता रह जाएगा, मेरी M249 में 100 गोली है। 100 नहीं 150, 150 भूल गया था। तो इस बंदे को हम निपटा देते हैं और उसके बाद गोरे गोपाल का इलाका पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना भी था और बग्गी खड़ी थी बीच रास्ते में, तो मेरे को लग रहा था कि यार कोई कैंपर तो इस घर में है शायद, इसलिए हम लोग रास्ते में समोक कर देते हैं। देखा गाइस, बोला था ना कोई कैंपर तो है शायद। एक किलो पहले टकली फोड़ी मैंने दो बार।
भाई जब लॉबी में फौजी भैया रहता है ना, तो भाई कोई बंदा में रिवाइव करने से नहीं रोक सकता, इसे खुले में सड़क पर रिवाइव दिया। ये किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट हुआ? अगर तारीफ ही करना है तो ये बोलो कि साला जब लॉबी में फौजी भाई होते हैं ना तो गाल फूट जाती है लोगों की। गाल की बात है ना, गाल और लंदन से इसकी क्या बोलूं, ये फंस गया सी है। लंदन से लड़कियां आती है तारीफ करने भाई के लिए। अरे यार क्या बोल रहा हूँ। चेक कर लो, इधर चेक कर लो, ये रहा नीचे। ओपन में, ओपन में मार रहा भाई, ओपन में, ओपन में। अरे चला गया अंदर। अब देखो जो हमारे बाजू में एक और बिल्डिंग है ना, वहाँ पे भी बंदे हैं और सामने भी बंदे हैं, और इन दोनों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, यानी कि हम हैं थर्ड पार्टी। तो क्या ये थर्ड पार्टी कर पाएगी, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी हमारी पार्टी बना के चली जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए फौजी सी जगह में। I got supplies. Kiro padi gaya ache. Watch out. Agar ye bandage laga. Chale va aaya mara. अब सामने वाले लौंडे को तो हमने नॉक कर दिया, पर यहाँ वाला अभी भी बचा पड़ा है, तो मैं निंजा टेक्निक करके आगे जाता हूँ। और देखो अब तो यार इनको तो हमने निपटा दिया, और जॉन भी आ गया है, तो जाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन यार यहाँ पे अभी कुछ और बंदे हैं, तो अगर हमने उनको भी नहीं मारा तो हम यहाँ से जा भी नहीं पाएंगे, यानी कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो अब आगे क्या होने वाला है। आगे आगे बंदा आ गया, इसका बंदा आ गया मेरे पीछे, वो इसको फिनिश करने जाता। हाँ जस्ट पूरा नीचे राइट साइड, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। वॉच आउट, ओहो नेहा थी। तो फाइनली नेहा को तो हमने निपटा दिया, और फिर हमें लगा कि चलो अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उतना ही में मुझे एक और बंदे की फुर्सत टैप आ जाती है। नहीं बहुत छुट्टी है, आ गया, आ गया लगी उसके, मारो मारो, हेड दिख रहा है, हेड दिख रहा है। अबे इस बंदे को तो अब भी मारा था मैंने 2 मिनट पहले। कुछ बंदे बदला लेने के लिए जान तक दांव लगा सकते हैं। देखो ना अभी जॉन के बाहर बदला लेने के लिए आ गया। Consumables. Bandage mark kar diya. Mark the location. Awesome. अब यार चर्च के पास 2 बंदे थे, तो उनको मारने के लिए हम रोके, लेकिन उन 2 बंदों की जगह हमको ये 2 बूढ़े दादा मिल गए, तो इनको हमने निपटाया, और फिर कुछ देर हम लोग यहाँ पे रोके रहे, पर फिर पता चलता है कि वो लोग तो भैया यहाँ से भाग गए। तो फिर हम लोग भी वहाँ से निकल के सीधा यहाँ जाते हैं, और कुछ देर बाद ये होता है। अच्छा,
अरे लगी location. अबे बस 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 थामा है क्या साला, कोई नॉक ही नहीं हो रहा. जोन में भी जाना है ठीक है. Watch out. बंदर मरेंगे मोली से लड़ा दो. बोलिए जोन. अबे समूह के अंदर बैठे थे वो भी तीन तीन. खैर मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि फौजी भाई रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों की आपके टीममेट का गेम पहले देख लेने देते. तो बड़े भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी गुस्सा आता है. पता नहीं क्यों उनसे मरने के बाद मेरे को गुस्सा आया और मैंने गुस्से में रिकॉर्डिंग ऑफ कर ली. बस इसीलिए गेम प्ले यहाँ तक का था. लेकिन अगर आपको फिर भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में न हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और रिएक्शन वाली वीडियो जरूर देखना गाइस. आज की रिएक्शन वीडियो जोनाथन की ऊपर डाली है फौजी ब्लॉग्स वाले चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.